हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। सो द एनालिसिस हम शुरू करें, द हिंदू एनालिसिस शुरू करें, उससे पहले आप लोग सब लाइव आ जाइए, क्योंकि कल भी मैंने कमेंट किया था कल वाले जो हमारा द हिंदू एनालिसिस था उसके नीचे कि आज जितने ज़्यादा लोग हो सकें उतने ज़्यादा लोग लाइव आइएगा, क्योंकि हम एथिक्स की जो कल केस स्टडी मैंने आपको दी थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट बदला है, पीपीटी से मैं थोड़ा सा चेंज होकर इस फॉर्मेट पर आई हूँ। देखते हैं कितना वर्क करता है, क्योंकि एक दो दिन से लाइव में प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज ऑफ दैट पीपीटी। तो देखते हैं कितना इंश्योर हो पाता है हमारा जो एम है। तो लाइव आ जाओ दो चार लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मतलब ज़्यादा लोग लाइव आ जाओ फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं अगर कोई लोग आ रहे हैं तो। ग्रेट, पीयूष, विनायक, अमनप्रीत, सब लोग आ चुके हैं लाइव, ठीक है? तो बात करें आगे अब। ऑलराइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 17 नवंबर, ठीक है? आपको कुछ भी डाउट होना तो आप लाइव सेशन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ट्विंकल भी आ चुकी हैं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट हु इज गोइंग टू लेट मी, इट इज हु इज गोइंग टू स्टॉप मी। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन आपको रोक सकता है, क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन आपको करने देगा जो आपका गोल है, जो आपका एम्बिशन है, उसको कौन फुलफिल करने देगा। क्वेश्चन ये है कौन आपको रोक सकता है, मतलब यू आर फुल कॉन्फिडेंट दैट नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, मतलब आपको कोई भी लोग स्टॉप करें डजंट मैटर, आपको आगे बढ़ते रहना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि कौन आपको कितनी हेल्प कर रहा है, दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न, ओके? आपको सब कुछ अपने बलबूते पर करना है। हाँ, ये है कि लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको आपको अपने आप को रोकने नहीं देना है। सो बेसिकली यू हैव टू बी फर्म ऑन योर गोल्स, यू हैव टू बी फर्म ऑन योर एम्बिशंस, बिकॉज देयर इज नो बडी, देयर इज नो पावर इन दिस वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल अनटिल एंड अनलेस यू गिव अप। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं हम। आज के पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। देखो, प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लेना मेरे साथ, क्योंकि मैं पहली बार ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो देखो, जीएस वन में आज हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर में से पोचमपल्ली के बारे में। तो देखो, पोचमपल्ली जो ये एक जगह है, पोचमपल्ली साड़ीज बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, इनको जीआई टैग मिला है। लेकिन अब जो ये पोचमपल्ली है, ये कुछ और रीज़न से यहाँ पे इसलिए न्यूज़ में था, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ और रीज़न है। इसके अलावा एनआरसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कम्युनिटी किचन्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में सोशल जस्टिस में से चाइल्ड अब्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, एंड आउटरीच टू ट्राइबल्स, ये एक एडिटोरियल आया है आज, हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। जीएस 3 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे, जीएस 4 में हम कल वाली केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग आ चुके हैं लाइव, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा है ज्यादा लोग लाइव आ गए हैं, तो क्योंकि देखो, जितने भी आप लोगों ने कल कमेंट्स किए थे ना, हम उन सबको यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको थोड़ा समझ आए कि किस तरह से आपको लिखना है इन एथिक्स पेपर। ऑलराइट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला आर्टिकल हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, आज का पहला आर्टिकल जो है, दैट इज रिगार्डिंग एनआरसी, ओके? तो देखो, यहाँ पे पहले आर्टिकल क्या है ये देखो। तो एनआरसी में ये बताया गया है कि यहाँ पे ओनली 1032 डाउटफुल केसेस रेफर्ड फॉर द रिव्यू। तो एनआरसी क्या है, पहले ये समझो, एनआरसी इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ओके? अब देखो, एनआरसी जो है ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आप समझ सकते हो ऑफ दोस हु आर लीगल इंडियन सिटीजन्स, ठीक है? तो जो लीगल इंडियन सिटीजन है उनके लिए ये एक रिकॉर्ड है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक, आप ऐसा समझ सकते हो, एक रजिस्टर है जिसमें कि सारे इंडियन सिटीजन्स जो हैं उनका नाम लिखा होगा, ये एनआरसी वो है। इसको 1951 में बनाया गया था, आफ्टर 1951 सेंसस, एंड दैट वाज फॉर इंडिया, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे असम के लिए भी एक एनआरसी बनाया गया, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था कि काफी टाइम से यहाँ पे मांगे चल रही थी कि यहाँ पे आपको जो 1985 का एक असम अकॉर्ड साइन हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जो असम की कुछ पार्टीज थी उनके बीच में, इस अकॉर्ड में ये कहा गया था कि यहाँ पे एक एनआरसी लाई जाए अलग से असम के लिए। और ऐसा क्यों कहा गया था, ऐसा इसीलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत हो रहा था। देखो, आपको पता है सभी को, असम इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसकी बाउंड्री काफ़ी सारे स्टेट्स के साथ, काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ लगती है, ठीक है? तो यहाँ पे असम में क्या हो रहा था, काफ़ी सारे जगहों से माइग्रेशन हो रहा था, जैसे कि बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आ रहे थे, दूसरे स्टेट्स
से लोग यहाँ पे आ रहे थे, म्यांमार से लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ का जो डेमोग्राफी थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है। मतलब यहाँ के लोगों का ये कहना था कि हमको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमको यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हो सकता था वो हमारा नहीं हो रहा है, बाकी जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो सारी प्रॉस्पेरिटी ले जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक NRC बनानी चाहिए, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाना चाहिए, और जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो 1985 में ये एकॉर्ड साइन हुआ था, उसके बाद अब जाके ये NRC बना है। तो देखो, NRC बेसिकली, मैं पहले ओवरव्यू दे रही हूँ, जेनरिक NRC की बात कर रही हूँ जो इंडिया के लिए या फिर किसी स्टेट के लिए हो सकता है। तो NRC में डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट दोज इंडिविजुअल्स हु क्वालिफाई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो जो NRC इंडिया वाले की मैं बात कर रही हूँ ना, इसमें क्या होगा, डेमोग्राफिक डिटेल्स होंगी उन इंडिविजुअल्स के जो सिटीजन्स हैं एज पर सिटीजनशिप एक्ट, ओके। और ये जो रजिस्टर है पहली बार 1951 में बनाया गया था सेंसस ऑफ इंडिया के बाद, ठीक है। अभी तक यहाँ पे और कोई इंडिया का यहाँ पे NRC अपडेट नहीं हुआ है, हालांकि आसाम का अलग से एक डाटाबेस बनाया गया है। तो यहाँ पे आसाम में, आसाम का जो NRC है उसका क्या मतलब है, इसका NRC का मतलब है कि यहाँ पे आसाम में रहने वाले जितने इंडियन सिटीजन हैं उनका नाम आएगा इस NRC में। दूसरी चीज ये कि ये रजिस्टर बनाया क्यों गया है, दिस रजिस्टर इज मेंट टू एस्टेब्लिश द क्रेडेंशियल्स ऑफ बोनाफाइड सिटीजन्स। तो जो बोनाफाइड सिटीजन हैं उनका यहाँ पे नाम होगा, जो फॉरेनर्स हैं उनको यहाँ पे अलग किया जाएगा। बोनाफाइड सिटीजन मतलब कि एक तो वो सिटीजन है और दूसरा दे आर वर्किंग इन फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। और फॉरेनर वो हैं जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को यहाँ पे डिटेक्ट करना था इसका एम, और इसीलिए यहाँ पे ये NRC बनाया गया है। और इसकी जो कट ऑफ डेट ली गई है वो ली हुई है ये 24th March 1971। देखो 1971 में आपको पता है 1971 में हमारी एक वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, और इसके बाद ही यहाँ पे बांग्लादेश जो था वो लिबरेट हुआ था, एक अलग कंट्री बना था, बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, इंडिया पाक वॉर के कारण वहाँ पे बहुत सारे, उससे पहले इंडिया पाक वॉर के पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, बांग्लादेशी काफ़ी सारे माइग्रेट करके इंडिया में आ गए, असम में आ गए, ठीक है। इनफैक्ट उसके आसपास वाले टाइम में भी, जब इंडो पाक वॉर हो गया उसके बाद भी यहाँ पे कंटिन्यूस इमिग्रेशन बना रहा। इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ डेट दी गई है कि मार्च 24, 1971 तक जो भी यहाँ पे लोग आ चुके हैं बांग्लादेश से उनको यहाँ पे सिटीजन माना जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी आए हैं मार्च 24, 1971 के बाद उनको यहाँ पे सिटीजन नहीं माना जाएगा। एंड दिस वॉज एग्रीड इन 1985 असम एकॉर्ड, ये असम एकॉर्ड में ये डेट फाइनलाइज हुई थी, ओके। अब NRC जो है इंडियन सिटीजन्स का आसाम में भी 1951 में ही बना था, और इसको अपडेट करने का जो काम दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये काम दिया अपडेट करने का गवर्नमेंट को इन 2013, और फाइनली NRC रिलीज हुआ था 2019 में। अब देखो यहाँ पे जब ये रिलीज हुआ तो वहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे कि यहाँ पे लगभग 19 लाख लोगों को, 19 लाख एप्लीकेंट्स जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आसाम के इंडिया के सिटीजन हैं, उन 19 लाख लोगों को यहाँ पे बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया लिस्ट से। सो देखो 19 लाख जो है ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऑलराइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब न्यूज में यही आया है कि 19 लाख में से सिर्फ 1032 जो एप्लीकेशन है उनको यहाँ पे रिव्यू के लिए लिया गया है, बाकी सबको बाहर निकाल दिया गया है। तो NRC की हम बात कर चुके हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पे कि जब पहले 2018 में ये लिस्ट आई थी, NRC अपग्रेड होके आया था, देखो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप NRC लाइए, 2018 में जब आया ये तो इन्होंने लगभग 41 लाख लोगों को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। उसमें से देखो इसके बाद यहाँ पे 36 लाख लोग थे, इसमें से ही 36 लाख लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं, हमको फिर से आप यहाँ पे रिव्यू कीजिए, हमें शामिल कीजिए। अभी रिसेंट का देखें अगर, तो यहाँ पे कुल मिला के 3.29 करोड़ एप्लीकेशन आई थी, ठीक है, जिसमें से 19 लाख लोगों को सीधे सीधे बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे अब ये NRC में ये न्यूज़ आई है कि अब जाके सिर्फ 1032 केसेस हैं जिनको यहाँ पे वापस से रिव्यू के लिए गया है, वरना बाकी सबको बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे न्यूज में थी, इसीलिए हमको पता होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें जो बाकी 19 लाख लोग हैं ना, इसको गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो 19 लाख लोग हैं, या तो ये डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं, या फिर डाउटफुल वोटर्स हैं, या फिर ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में इनके काम चल रहे हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में इनका जो भी केसेस हैं वो चल रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फॉरेन ट्रिब्यूनल्स भी बनाई गई हैं जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज की तरह यहाँ एक्ट कर रही हैं टू डिसाइड द केसेस ऑफ दीज पीपल, दीज 19 लाख पीपल, कि यहाँ पे इनमें से कितने लोग ट्रिब्यूनल्स में, कितने लोग फॉरेनर्स हैं, कितने नहीं हैं, और अगर ये फॉरेनर्स हैं तो इनका क्या करना है, क्या इनको डिपोर्ट करना है, कहाँ रखना है इनको, ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम।
ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एनआरसी का हम थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 1951 में एनआरसी आया था, ठीक है, एनआरसी इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था, पहली बार पब्लिश हुआ था। दूसरी चीज़ ये कि 1979 में पहली बार एंटी फॉरेनर मूवमेंट स्टार्ट हुआ असम में। मैंने आपको बताया असम में माइग्रेशन काफ़ी बढ़ गया और इसके कारण यहाँ पे 1979 में एंटी माइग्रेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1980 में यहाँ पे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है इन्होंने पहली बार एनआरसी की डिमांड यहाँ पे जताई अपनी। 1985 में असम एकॉर्ड साइन हुआ, ठीक है। असम एकॉर्ड साइन होने के बाद यहाँ पे 1999 में सेंटर ने पहला डिसीजन लिया कि हाँ चलो हम असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनआरसी को, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन को, यहाँ पे अपग्रेड करेंगे। और इसके बाद देखो अब फाइनली 2013 में यहाँ पे पिटीशन आया सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे अब एनआरसी को अपग्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है अब एनआरसी को आप अपग्रेड कीजिए, ये सेंटर को उन्होंने कहा, ठीक है। एक्चुअल एक्सरसाइज जो चालू हुई, देखो डेडलाइन इन्होंने दी थी 2015 की, ठीक है, कि 2015 की डेडलाइन है आपके पास, आपको एनआरसी 2015 डिसंबर 31 तक आपको ये पब्लिश करना है, लेकिन ये नहीं हो पाया। फाइनली 2017 में इसका पहला ड्राफ्ट आया था। 2018 में इसका मतलब पहला जब ड्राफ्ट आया जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पे 42 लाख लोगों को बाहर निकाल दिया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट असम एनआरसी वाज ओनली अ ड्राफ्ट एंड हेंस इट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ एनी अथॉरिटी अगेंस्ट एनीवन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सिर्फ एक ड्राफ्ट लेके आ गए हैं, अब इस ड्राफ्ट का हम क्या करें, क्योंकि ड्राफ्ट जो है ये फाइनल चीज नहीं होती, तो हम किस बेसिस पे, किस अथॉरिटी से दूसरों को यहाँ से बोलें कि आप भाई माइग्रेंट हैं आप जाइए यहाँ से। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप यहाँ पे एक सेपरेट लॉ लेके आइए और इसमें अलग से एनआरसी को डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पे 2018 में सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड असम एनआरसी कोऑर्डिनेटर टू सबमिट द डाटा ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आसाम में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे यहाँ डाटा दीजिए कि आपने कितने लोगों को यहाँ पे रखा है, कितने लोगों को आपने सिटीजन्स का टैग नहीं दिया है, कितने लोगों को सिटीजन्स का टैग दिया है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे किस बेसिस पे आप किस क्राइटेरिया पे ये सब कर रहे हैं ये सब भी आपको बताना है। तो फाइनली यहाँ पे 2019 में एडिशनल ड्राफ्ट भी आया जिसमें लगभग 41 लाख लोगों के नाम नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद अभी जो 2019 में डाटा आया उसमें हमने देखा 19 लाख लोगों के नाम नहीं थे, जिनकी अब रिसेंटली बात कर रहे थे कि 19 लाख लोगों के नाम नहीं है और इस 19 लाख लोगों में से सिर्फ 1032 लोगों की जो एप्लीकेशन रिव्यू एप्लीकेशन उसको कंसिडर किया गया है। सो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। देखो नेक्स्ट इशू है हमारा CBI searches 77 places to probe child abuse cases. तो CBI जो है, जो कि हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप समझ सकते हो, एपेक्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये CBI जो है इन्होंने 77 प्लेसेस पे प्रोब किया है, छापे मारे हैं एक तरह से चाइल्ड अब्यूज केसेस को रोकने के लिए। तो देखो इन द मेजर क्रॉकडाउन ऑन ऑनलाइन सेक्शुअल अब्यूज, हमने कल या परसों ही ऑनलाइन सेक्शुअल अब्यूज के बारे में, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज के बारे में एक एडिटोरियल देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से रिलेट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो सेक्शुअल अब्यूज बढ़ रहा है ऑनलाइन बेसिस पे, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल बढ़ रहा है और कोविड के टाइम पे कितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी हो चुकी है बच्चों की विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑनलाइन सेक्सुअल क्राइम, ये आप सभी को पता है, हमने लास्ट आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे CBI ने 23 नए केसेस रजिस्टर किए हैं, ठीक है, 83 accused people के अगेंस्ट। तो मतलब सोचो कि इन्होंने छापे मारे और इतने सारे केसेस रजिस्टर हो भी गए। ऑलराइट, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे देखो इन्होंने 50 से ज्यादा ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल में इन्वॉल्व है, जो शेयर करते हैं ऐसे मटेरियल को, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो सारा काम हो रहा है ना चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है ऑनलाइन मीडियाज के थ्रू, यहाँ पे 100 countries के लोग शामिल हैं, ठीक है। मतलब ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और इसको यहाँ पे पता करने का काम कर रही है अभी CBI। तो इसमें IPC की मदद ले रही है, IPC के लॉस की मदद ले रहे हैं ये लोग, IT एक्ट की मदद ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरे रैकेट को यहाँ पे पता लगाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे कि किस तरह से हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो पूरा रैकेट है इसको खत्म कर सकते हैं। अब देखो जब हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की इंडिया में, तो पहला यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हमारे इंडिया में किस किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे देश में ये मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। मल्टी लेयर्ड किस तरह से है कि देखो यहाँ पे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है वो सिर्फ फिजिकल, चाइल्ड अब्यूज की मैं बात करूँ तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, ये मेंटल भी होता है, ठीक है, उसकी वेलबींग के भी ऊपर भी होता है और बिहेवियरल आस्पेक्ट पे भी होता है। जैसे कि एक तो सेक्सुअल अब्यूज हो गया, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी हो गया, ठीक है,
ये सब कुछ चाइल्ड अब्यूज का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम सभी को पता है हमारी गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट के लिए कितना ज्यादा फोकस कर रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी पे। ऑनलाइन पेमेंट सब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ठीक है। एजुकेशन काफी ज्यादा ऑनलाइन आ गया बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ने से वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज की, चाइल्ड ऑनलाइन अब्यूज की, ठीक है। उसके अलावा पोर्नोग्राफी एक इशू है, ओके। पोर्नोग्राफी इज वन ऑफ द इशू। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो जो लॉज है हमारे यहाँ पे, लॉज कौन कौन से हैं, एक पॉक्सो एक्ट है, आपको पता होगा, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज, ऐसा कुछ एक्ट है। मैं आपको बताती हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट, ये 2012 का एक्ट है। और इस एक्ट में, ये एक्ट जो है, ये मेजर एक्ट है हमारे देश में जो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज को रोकता है। लेकिन ये है ना, इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो उतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कन्विक्शन रेट आप देखोगे तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है, लगभग 32% कन्विक्शन रेट है। पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। पेंडेंसी कैसे बहुत ज्यादा है? पेंडेंसी ऐसे बहुत ज्यादा है कि लगभग 90% केसेस जो है वो आज की डेट में पेंडिंग है, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में। इसके अलावा डिले बहुत ज्यादा है, ठीक है, जुडिशियल डिले बहुत ज्यादा है। चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है ये, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है ये। देखो, ये बायोलॉजिकल एज पे डिसाइड करते हैं कि ये जो पर्सन है, जैसे अगर देखो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, वो एक्चुअल में यहाँ पे मेंटली इल है, या फिर उसकी एज जो है मेंटली मेंटल एज जो है वो 6 to 7 ईयर्स है, लेकिन एक्चुअल बायोलॉजिकल एज उसकी 30-40 ईयर्स है, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे मेंटल एज को नहीं, यहाँ पे फिजिकल बायोलॉजिकल एज को देखा जाता है। अब देखो, हालांकि कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? तो देखो, एक तो हमने एक बात की पॉक्सो एक्ट की, ठीक है। इसके अलावा एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो काइंड ऑफ चाइल्ड अब्यूज, ओके। फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑपरेशन स्माइल भी है। ऑपरेशन स्माइल में क्या था, ऑपरेशन स्माइल या ऑपरेशन मुस्कान कहते हैं इसको, जितने भी बच्चे खो गए हैं या जितने भी बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको अपने फैमिलीज के साथ मिलाना, उनको रेस्क्यू करना और वापस अपनी फैमिलीज के साथ मिलाना, ये है ऑपरेशन स्माइल, ठीक है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, ये भी एक तरह से चाइल्ड अब्यूज रोकने की कोशिश है, क्योंकि अल्टीमेटली आप भले ही एक फीमेल चाइल्ड के अगेंस्ट जो भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, जो भी आप उसके ऊपर अट्रोसिटीज कर रहे हो, एक्चुअल में है तो वो भी फीमेल चाइल्ड है ना, तो वो है तो एक तरह से चाइल्ड ही। तो इसीलिए यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसके अंतर्गत ही आएगा, समझ गए। तो ये पूरा हमने देखा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज से ओवरऑल एक जनरल टॉपिक देखा हमने चाइल्ड अब्यूज को। अच्छा, इसका वे फॉरवर्ड अगर आपसे पूछा जाए एसए में या फिर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन में, तो आप इसका वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो? क्या आप इसका वे फॉरवर्ड ये लिख सकते हो कि एक तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है, अमंग पेरेंट्स, अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे फिर वो स्कूल हो, टीचर्स हो, चिल्ड्रन हो, ठीक है, पीयर ग्रुप्स हो, इन सभी में अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करनी है आपको कि गुड टच बैड टच इन सब के लिए एक अवेयरनेस हो। इसके अलावा एक यहाँ पे एनजीओस को आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, जैसे एनजीओस को यहाँ पे एज अ पार्टनर इंक्लूड करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, सो दैट वो उस कम्युनिटी तक पहुँच सके जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुँच पा रही सीधे। ऑल राइट, ये चीज़ हो सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की हम यहाँ पे, तो देखो नेक्स्ट इशू हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखो ये है, यूएन ने क्या किया है, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली एक जगह का नाम है, तेलंगाना में ये एक विलेज है, पोचमपल्ली तेलंगाना में एक विलेज है। अच्छा, एक चीज और कि अगर आपको लग रहा है कि इसको ज्यादा जूम करने की जरूरत है, तो देखो मैं अभी इसको देखती हूँ और कैसे जूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है इन द वीडियो, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो यूएन की जो टूरिज्म बॉडी है, उन्होंने कहा है कि पोचमपल्ली जो तेलंगाना में एक विलेज है, इसको हम ऑनर देंगे एक वीवर हब का, मतलब इसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। तो देखो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, ये जो है ये वर्ल्ड बॉडी है जो प्रमोट करती है सस्टेनेबल टूरिज्म को, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म को ये प्रमोट करने वाली बॉडी है, यूएन की बॉडी है। ऑलराइट, ये सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करती है और इसने अपनी जो अभी इसकी जो मीटिंग होने वाली है, एनुअल मीटिंग होने वाली है इसकी, 24th एनुअल मीटिंग, उसमें ये कहा है, एक तरह से घोषणा की है कि हम यहाँ पे पोचमपल्ली को एक वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज के फॉर्म में टैग देंगे, या फिर इसको वीवर्स हब के फॉर्म में टैग देंगे, ठीक है। तो ये पहले तो तेलंगाना का पार्ट है, पहली चीज़ें समझ गए। अब पोचमपल्ली जो हैदराबाद के काफी करीब पड़ता है, लगभग 50 किलोमीटर दूरी है ये, और यहाँ पे ये फेमस क्यों है? देखो, एक तो ये इकत
इकत वीव्स के लिए फेमस है, ठीक है, अपनी साड़ीज के लिए फेमस है, टेक्सचर्स के लिए फेमस है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये देख सकते हो, ये आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, ये पोचमपल्ली हैंडलूम का अलग से एक आउटलेट है। तो पोचमपल्ली का जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ पे जो गारमेंट्स हैं, ठीक है, टेक्सटाइल है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, चाहे फिर वो इकत वीव्स देख लो, साड़ीज देख लो, टेक्सचर्स देख लो, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यूनेस्को यूएन ने, यूएन की जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसने यहाँ पे इसको ये टैग देने की बात की है, पहली चीज तो ये, बिकॉज ऑफ दीज हैंडलूम्स। ओके, उसके अलावा फैब्रिक है जो इसमें, देखो इस फैब्रिक में क्या होता है, कई सारे ज्योमेट्रिक डिजाइन को यूज किया जाता है, तो इसीलिए ये इसको देने की बात चल रही है। अच्छा, अब ये टूरिज्म विलेज होता क्या है? तो ये टूरिज्म विलेज एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो किसी भी विलेज को हाईलाइट करता है, उसके टूरिज्म को हाईलाइट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है, कल्चर और ट्रेडिशन के बेसिस पे उसको, उसके टूरिज्म को हाईलाइट करता है। जैसे कि यहाँ पे पोचमपल्ली के टूरिज्म को हाईलाइट किया गया है, फॉर व्हाट, फॉर इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। अच्छा, अब जब हम कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात करते हैं, इसमें बायोडाइवर्सिटी भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की कि इसका कल्चर और ट्रेडिशन में, एक तो हमने बात की इकत वीव्स की, ठीक है, इकत वीव इज अ काइंड ऑफ हैंडलूम देयर, फैब्रिक की, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो यूज होते हैं इसके फैब्रिक में, ये सब की बात की। एक पोचमपल्ली साड़ीज की भी हम बात करेंगे जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा अभी रिसेंटली यूनेस्को ने यहाँ पे एक टेम्पल था जिसका नाम था रामप्पा टेम्पल, ठीक है, ये रामप्पा टेम्पल जो है यहाँ पे, ये जो रामप्पा टेम्पल है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ये रामप्पा टेम्पल को यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिला है, ये भी, ये जो जगह है, ये जो टेम्पल है, ये भी पोचमपल्ली में ही है। तो ये समझ रहे हो, इसका कल्चर भी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो ये टेक्सटाइल वाला जो कल्चर है वो भी आ गया। अब बात कर लेते हैं पोचमपल्ली साड़ीज की। तो पोचमपल्ली साड़ीज जो है, ये हमारे यहाँ पे पोचमपल्ली इकत कहते हैं इसको, ठीक है, ये पोचमपल्ली इकत जो है, ये इसको जीआई टैग मिला था तेलंगाना से, पोचमपल्ली जगह से, ठीक है। और ये बनाई कैसे जाती है, ये बनाई जाती है भूदान पोचमपल्ली में, जो ये विलेज है इसमें बनाई जाती है। इसकी यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे इंट्रिकेट डिजाइन्स का यूज होता है, कलरिंग का यूज होता है, और यहाँ पे जो डबल इकट टेक्सटाइल है वो बनाए जाते हैं, ठीक है, डबल इकट टेक्सटाइल्स का यूज होता है। उसके अलावा दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न यूज होते हैं डाइंग के लिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक डिजाइन यूज होती हैं, और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल एयर कैरियर एयर इंडिया हैज इट्स कैबिन क्रू वियर स्पेशली डिजाइन पोचमपल्ली स्किल्स सिल्क साड़ीज। तो देखो, पोचमपल्ली सिल्क साड़ीज इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि एयर इंडिया का जो कैबिन क्रू है, उनको यहाँ पे पोचमपल्ली साड़ीज ही उनकी यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा देखो, पोचमपल्ली साड़ीज को ग्लोबल फेम कैसे मिली, उनको जीआई टैग मिला है 2005 में, और इनको इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट्स भी मिले हुए हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में आई होप आपको पता होगा। इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट्स क्या है कि आपका कोई भी अपना क्रिएशन है, चाहे मान आप सॉन्ग बनाओ कोई सा, आप कोई मूवी बनाओ, चाहे आप कोई, जैसे ये वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं, तो इसका जो पूरा इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट्स किसके पास है, प्रेप आईएएस के पास है। तो इस तरह से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने कुछ भी खुद से डेवलप किया है, तो वो डेवलपमेंट आपका ही राइट है, ठीक है, उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। अगर उसको कोई कॉपी करता है तो उसको आपसे पहले परमिशन लेनी होगी, समझ गए। अच्छा देखो, इसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में भी मिली है जगह, जो देखो जो इनटेंजिबल लिस्ट है ना, इनटेंजिबल लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, उसमें, वर्ल्ड हेरिटेज की, उसमें भी इसको जगह मिली हुई है। और पोचमपल्ली को एज अ प्लेस यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। इसको आइकॉनिक साड़ी वीविंग क्लस्टर कहा जाता है इंडिया का, तो ये आपको समझना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे तेली रुमाल्स भी यहाँ पे फेमस है, तेलंगाना के तेली रुमाल्स को भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है, जिनका लिंक पोचमपल्ली से ही है। तो देखो, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी पोचमपल्ली से रिलेटेड, एक बार शॉर्ट में बताती हूँ पोचमपल्ली को क्या मिला है। यहाँ पे बेस्ट टूरिज्म विलेज का यहाँ पे टैग मिला है, या फिर वीवर्स हब का टैग मिला है, किसने दिया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या क्या फेमस है, एक तो इकत साड़ी फेमस है, पोचमपल्ली साड़ीज भी बोल सकते हो, इकत साड़ीज भी बोल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे टेक्सटाइल बहुत फेमस है, ज्योमेट्रिक पैटर्न का फैब्रिक फेमस है, इसके अलावा तेली रुमाल यहाँ पे फेमस है, रामप्पा टेम्पल यहाँ पे फेमस है। तो ये सब कुछ यहाँ पे फेमस है जिसके कल्चर और ट्रेडिशन को देखते हुए यहाँ पे पोचमपल्ली को टूरिज्म साइट का यहाँ पे टैग मिला है, समझ गए। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इशू है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गिव्स
गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट गिव्स 3 वीक्स टू गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज ऑन कम्युनिटी किचन. तो कम्युनिटी किचन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 3 वीक्स का समय दिया है कि इसके ऊपर आप अलग से पॉलिसी लेकर आइए. तो देखो बेसिकली इशू क्या है, इशू समझते हैं फिर आते हैं हम न्यूज पे वापस से. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको पता है न्यूट्रिशन की कितनी प्रॉब्लम है, हंगर की कितनी प्रॉब्लम है हमारे देश में, है ना. तो ये न्यूट्रिशन और हंगर की इतनी प्रॉब्लम है, ऐसे में कई देखो काफ़ी सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट भी करती है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई है गवर्नमेंट, इसमें पीडीएस के अंतर्गत काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे न्यूट्रिशन दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पे छूट जाते हैं. जैसे चिल्ड्रन जो है स्पेशली 5 साल से छूटे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, और ये जो है ये छूट जाते हैं इनके अंतर्गत, जैसे हंगर माल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण इनके आगे जाके डेथ्स भी हो जाती हैं, इनके जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेरोगेट हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गलत प्रभाव भी पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे इनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जैसे राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, ये सब कुछ जो है ये वायलेट हो रहा है. तो बेसिकली इतने छोटे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, हंगर का शिकार हो रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, लेकिन फिर भी कम्युनिटी की साइड से भी और गवर्नमेंट की साइड से एक पार्टिसिपेटरी एफर्ट की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन का कंसेप्ट आता है. ठीक है, कम्युनिटी किचन क्या है, इसमें गवर्नमेंट और कम्युनिटी साथ में मिलके यहाँ पे एक तरह से किचन चलाती है, एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कम्युनिटी को. ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे जो सजेशन दिया गया था वो ये भी सजेशन था कि यहाँ पे एक नेशनल फूड ग्रिड बनानी चाहिए हमको फॉर पीपल फॉलिंग आउटसाइड द परव्यू ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो जो भी पीडीएस के बाहर लोग आते हैं उनके लिए एक नेशनल फूड ग्रिड हमको बनाने की जरूरत है. इसके अलावा देखो यहाँ पे हमको हंगर को, माल न्यूट्रिशन को, स्टार्वेशन को यहाँ पे खत्म करने की जरूरत है, और इसके लिए हमको क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए हमारे पास कि क्या हमको किस तरह से स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से नहीं करना है, ये सब चीजें हमको क्लियरली पता होनी चाहिए. दूसरी चीज, इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड विच हैज बीन हेल्ड एज अ बेसिक फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट. तो देखो राइट टू फूड, राइट टू न्यूट्रिशियस फूड इंस्टीड इज नॉट जस्ट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो ह्यूमन राइट. ठीक है, अंडर इंटरनेशनल लॉज. तो इसी के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन को इस्टेब्लिश किया गया है. ठीक है, एज एन एडेड मैकेनिज्म फॉर प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड विद द इंटेंट ऑफ होलिस्टिकली कॉम्बैटिंग इरेडिकेशन ऑफ हंगर, माल न्यूट्रिशन, स्टार्वेशन इन द कंट्री, डिजीजेस, इलनेस, डेथ रिजल्टिंग देयर ऑफ. इसका मतलब क्या है कि क्योंकि बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये राइट टू फूड नहीं मिल पाता, इसीलिए कम्युनिटी किचन स्टार्ट किए गए हैं. इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे होलिस्टिकली सारे ही इश्यूज को टैकल करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक तो हंगर जाए, उसके वाला माल न्यूट्रिशन को भी हमको हटाना है, स्टार्वेशन को भी हटाना है, डिजीजेस को भी हटाना है, इलनेस को भी हटाना है, ये सब चीज़ों को हमको हटाना है. इसके कई सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक होता है सूप किचन, एक होता है मील सेंटर, एक होता है फूड किचन, एक होता है कम्युनिटी किचन, ये सब कुछ इसी के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, जहाँ पे फूड जो है वो एक्चुअल में बिलो मार्केट प्राइस यहाँ पे मिलता है. अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, एक आप इसको एथिक्स में यूज कर सकते हो. ठीक है, एथिक्स की केस स्टडी में इसको आप यूज कर सकते हो. एक है अमरावती, एक जगह आपको पता होगी, अमरावती के एक डीएम थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं कल बताऊंगी आपको नाम देख के. तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह का एक कैफे स्टार्ट किया था. ठीक है, इस कैफे में क्या होता था कि आप यहाँ पे जो जितने भी वो होते ना वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं, जो कचरा बिनते हैं, ठीक है, ये जो वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं, इनका ये काम था कि यहाँ पे इनको प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करना है. ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट ये जब कलेक्ट करके आएंगे तो ये प्लास्टिक वेस्ट ये देंगे उस कैफे में, उसके बदले इनको कूपन मिलेगा. अब डिपेंडिंग अपॉन कितनी क्वांटिटी का ये प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करके लाए हैं उस जगह से, तो इनको कूपन मिलेगा. इस कूपन के बदले वो यहाँ पे इस कैफे में एक न्यूट्रिशियस मील पूरी ले सकते हैं. ठीक है, समझ गए, तो ये न्यूट्रिशन मील ले सकते हैं. तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हो रही है, एक तो यहाँ पे क्लीनलीनेस हो गई, सैनिटेशन का सैनिटेशन हो गया, दूसरा यहाँ पे न्यूट्रिशन भी हो गया. ठीक है, तो ये इस तरह के इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं, एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जा सकता है, समझ गए. अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये कहा है कि आप पहले तो ये समझिए कि आपका काम क्या है, पहला जॉब क्या होता है वेलफेयर स्टेट का, कि वहाँ पे उस देश में कोई भी, जहाँ पे वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे कोई भी भूखा ना मरे. ठीक है, स्टार्व करके ना मरे, पहली चीज़ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है. तो आप यहाँ पे आपसे हमने जब कम्युनिटी किचन की डिटेल्स मांगी, जब आपसे पूछा कि क्या आपकी पॉलिसी है, तो आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट को. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है, पहली चीज तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आप ये कॉम्प्रहेंसिव स्कीम ला सकते हैं कम्युनिटी किचन की. दूसरी चीज, आप यहाँ पे एक प्रॉपर पॉलिसी बनाइए जो कि यहाँ पे ध्यान दे कि कम्युनिटी किचन को किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे कई सारी स्कीम्स के बारे में बताया गया है, जैसे तमिलनाडु में एक अम्मा उनवगम ये स्कीम चलती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और स्कीम चलती है राजस्थान में जिसका नाम है अन्नपूर्णा रसोई, फिर एक इंदिरा कैंटीन चलते हैं कर्नाटक में, दिल्ली में आम आदमी कैंटीन चलते हैं, अन्ना कैंटीन चलते हैं आंध्र प्रदेश में, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भाट चलता है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में आहार सेंटर चलता है। ये सब कुछ जो है ये स्टेट के इनिशिएटिव्स हैं, ये याद रखना। अच्छा एक और, आज कुछ एक वेस्ट बंगाल ने भी एक अपनी स्कीम स्टार्ट की है रिगार्डिंग दिस न्यूट्रिशन, द्वार करके कुछ स्कीम का नाम है, मैं आपको देख के बताऊंगी कल, आप देखिएगा पेज नंबर 1 पे ही है, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, सिर्फ उसका नाम आपको बताना चाहिए, द्वार कुछ एक ऐसा नाम है, ठीक है। तो देख के बता दूंगी मैं आपको, तो ये चीज आपको मतलब ये सारे स्टेट के इनिशिएटिव भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो ये स्टेट के इनिशिएटिव काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर इनसे सीखे, ठीक है, इनको अपना मॉडल बनाए कि इस तरह से कम्युनिटी किचन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट की बात करते हैं 2018 की, तो इसमें ये कहा गया था दैट इंडियन हाउसेस 195 मिलियन, यहाँ पे 195 मिलियन ऑफ द 821 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल इन द वर्ल्ड। तो अगर 821 अंडर नरिश्ड पीपल वर्ल्ड में है तो उसमें से 195 मिलियन लोग जो अंडर नरिश्ड है वो पूरे इंडिया में ही है, समझ गए। तो इस तरह की सिचुएशन है हमारे यहाँ पे, और ये जो 195 लोग है ना, 195 मिलियन लोग, ये लगभग 24% जितने भी टोटल लोग हैं वर्ल्ड के, जितने भी टोटल लोग हैं जो हंग्री हैं, जो स्टार्व कर रहे हैं, उनमें से जो 24% लोग हैं वो अकेले इंडिया में मिलते हैं, समझ गए। तो इस लेवल का हमारे यहाँ पे हंगर एंड स्टार्वेशन का इशू है। इसके अलावा जो अंडर नरिशमेंट की बात करें तो लगभग 14% हायर, या 14 to 15% हायर अंडर नरिशमेंट है हमारे देश में विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एवरेज। तो इस लेवल का हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है अंडर न्यूट्रिशन का, अंडर नरिशमेंट का, माल न्यूट्रिशन का, एंड हंगर एंड स्टार्वेशन का। अच्छा एक चीज इसका मैंने बताया आपको कि नेशनल फूड ग्रिड बनाने की भी बात की है, जो कि पीडीएस स्कीम के थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन होगा, बियॉन्ड पीडीएस, जो पीडीएस में छूट जाते हैं उनको नेशनल फूड ग्रिड में हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे कही गई है, ये एक रिकमेंडेशन भी है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा ये वाला इशू, आगे बात करते हैं, ये एक एडिटोरियल है। देखो ये पेज नंबर कौन से पे आया है, ये देख लो एक बार, पेज नंबर 8 पे आया है ये, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो पूरा इशू है ये है रिगार्डिंग ट्राइबल्स। अब आपको पता है कल नहीं परसों 15 नवंबर को यहाँ पे एक मनाया गया था हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस की हमने बात कर चुके हैं हम, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। ये दिवस क्यों मनाया गया था, ये बेसिकली ट्राइबल लोग जो है, ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, इनके पार्टिसिपेशन को, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को दिखाते हुए एक इवेंट के तौर पे इसको बनाया गया था। ओके अब देखो इसमें क्या हुआ है, देखो जनजातीय गौरव दिवस की यहाँ पे एक तो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इस आर्टिकल में, दूसरा ट्राइबल्स के यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को एस्टेब्लिश किया हुआ है, तीसरा ये बताया गया है कि क्या एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है फॉर दिस ट्राइबल पॉपुलेशन। तो सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे ये जो हमारे ऑथर हैं ये यूनियन मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने काफी अच्छी यहाँ पे सराहना की हुई है यूनियन गवर्नमेंट की कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको देंगे, हम यहाँ पे पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर इस एडिटोरियल को देखने वाले हैं, किसने अच्छा काम किया किसने बुरा काम किया इसको नहीं देखना है, हमको ये देखना है गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या कर रही है ओवरऑल, बस ठीक है। तो ये देखना है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये अच्छे शुरुआत अच्छी करते हैं कि इसको हम एसेज में यूज कर सकते हैं इस तरह की शुरुआत को। देखो एडिटोरियल्स पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा यही होता है, मुझसे कई बार लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम आपका वीडियो देख लें बस खत्म हो जाएगा क्या करंट अफेयर्स, और या फिर कोई मैगजीन पढ़ लें उससे हो जाएगा क्या। तो मैं हर बार ये बोलती हूँ कि नहीं, न्यूज़पेपर को आप यहाँ पे किसी भी चीज से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं कि देखो ये एडिटोरियल मैं आपको समझा दूंगी, आपके लिए आसान कर दूंगी, लेकिन इसकी लैंग्वेज मैं आपको नहीं सिखा सकती, और यही लैंग्वेज ओवर द टाइम आप जब पढ़ते हो ना कंटिन्यूअसली तब आपको समझ आता है कि ये लैंग्वेज आपको कितना हेल्प करती है ड्यूरिंग एसेज, ड्यूरिंग एथिक्स, ठीक है। तो एथिक्स एसे के पेपर लिखने में ये इस तरह की लैंग्वेज बहुत हेल्प करती है, कैसे करती है ये समझो। तो देखो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो राम, लॉर्ड राम थे, जो रामायण की बात करें तो लॉर्ड राम ने जब अपना अयोध्या का किंगडम छोड़ा और जब वो गंगा के बैंक पे जा रहे थे तो उनकी जो सबसे पहली हेल्प की थी वो उनके नेबरिंग किंगडम निषद, निषद के राजा गुहा ने की थी, ठीक है। और ये गुहा जो थे ये बेसिकली ट्राइबल लोगों के लीडर थे, तो ये गुहा जो थे एक खुद एक ट्राइबल पर्सन थे और इन्होंने यहाँ पे राम की हेल्प की थी ड्यूरिंग हिज एग्जाइल पीरियड, ठीक है, मतलब जब उनको वहां से जब वो अपना सारा राजपाट छोड़ के निकल चुके थे। दूसरा अर्जुन की भी बात की है, महाभारत में भी ट्राइबल लोगों का यहाँ पे मेंशन है और उनको कितनी रिस्पेक्ट दी गई है हमारे कल्चर के द्वारा ये बताया गया है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भी एक ट्राइबल वुमेन से शादी की थी जिसका नाम था उलूपी, जो नागा ट्राइब से बिलोंग करती थी,
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस में ट्राइबल लोगों के लिए कितनी रिस्पेक्ट है, ठीक है, और उनको कितना ज्यादा हमारी सोसाइटी का पार्ट माना जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इनफैक्ट, ठीक है, तो ये हमको समझना है। और ये चीज दिखाती है कि कितनी हार्मोनियस रिलेशनशिप हमारा कल्चर बताता है, हमारी एक कितनी हार्मोनियस रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड सिटी ड्वेलर्स, ठीक है, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन हो गए, ट्राइबल्स, और सिटी ड्वेलर्स हो गए हम और आप जैसे लोग, ठीक है, तो ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। देखो ये रिकॉग्निशन अभी अभी मिला है, कुछ समय की बात है जब रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है, इससे पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स जब थे, ब्रिटिश रूल जब था, तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। ये जो एक्ट है ये इनको एज अ क्रिमिनल देखता है, जो ट्राइबल लोग हैं इनको एज अ क्रिमिनल यहाँ पे जज करता है, ये जो एक्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है ये इनको ऐसे जज करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि जो क्रिमिनल ट्राइब, जो क्रिमिनल की तरह इनको ट्रीट किया जाता है, वो ट्रीट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रेसिस्ट रेसिस्ट ओवरट्यून्स एंड स्टीरियोटाइप्स। ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उनकी एक स्टीरियोटाइप थी कि जो ट्राइबल लोग हैं ये रेसिस्ट, उनके अगेंस्ट थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन था। दूसरी चीज, इनको माना जाता था कि ये तो क्रिमिनल्स ही हैं और इनको एक तरह से क्रिमिनल ही यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। आपने अगर डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पता होगा, अगर आपको पढ़ा होगा कभी आपने डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, तो इनको ब्रिटिशर्स क्रिमिनल्स ही मानती थी, जहां मिले उनको पकड़ के ले जाते थे, तो इस तरह का काम होता था वहां पे। तो ये चीज जो है आज के टाइम पे बदल रही है और अब हम इनको रिकॉग्नाइज करना हमने शुरू किया है, क्योंकि इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुई हैं इन द पास्ट, तो इसीलिए अब इनको जरूरत है कि हम इनको ना सिर्फ रिकॉग्निशन दें, इसके साथ साथ अप्रिसिएशन और यहाँ पे रिस्पेक्ट भी दें, ठीक है, ऑन द सोसाइटल बेसिस। सिर्फ ऐसा नहीं कि कहने को दे दी, सोसाइटल बेसिस पे भी इनके लिए इतनी एक्सेप्टेंस हो। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए। हमको पता है कितने सारे रिबेलियंस हुए हैं, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में भी, कल भी हमने डिस्कस किया था जब बिरसा मुंडा को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने जब बिरसा मुंडा जी के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, जो जनजाति गौरव दिवस को हमने डिस्कस किया था, तब भी हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है, कि ब्रिटिश रूल में कितना इन्होंने ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए कितना लड़े हैं। यहाँ पे मुंडा रिवॉल्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे संथाल रिवॉल्ट हुआ है, यहाँ पे ओरांग रिवॉल्ट हुआ है, हो रिवॉल्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नागा रिवॉल्ट हुआ है, नागा अपराइजिंग हुई है, ये सब कुछ यहाँ पे रिवॉल्ट हुए हैं इसको हटाने के लिए। अब यहाँ पे हमको तो नाम बस बिरसा मुंडा का पता है, लेकिन और भी यहाँ पे लोग हैं, टांटिया भील है, कुमारम भीम है, थलक्कल चंदू है, ये सब लोग जो हैं ये सब ट्राइबल लीडर्स रहे हैं और ये कुछ ही नाम है, ठीक है, हम यहाँ पे सबको जानते नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य बोल सकते हो, अनफॉर्चुनेट है हम कि यहाँ पे हम इनको नहीं जानते, ठीक है। अब जनजातीय गौरव दिवस कल मनाया गया, इसका एम क्या था, इसका एम जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसका एम था यहाँ पे सेलिब्रेट करना ट्राइबल लोगों को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को। तो ये हमने क्यों किया, देखो आज की टाइम में अगर हम मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें तो 700 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं, और ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो कुल मिला के 10% पॉपुलेशन जो है हमारे देश की वो इस ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। इसीलिए इनको एसिमिलेट करना, इनको साथ में लेके चलना मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए यहाँ पे एफर्ट्स किए गए हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हर फ्रंट पे, ठीक है, गवर्नमेंट ने हर फ्रंट पे यहाँ पे इनके लिए एफर्ट्स किए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या एफर्ट किए हैं, तो इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है, इनके लिए अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन है, ठीक है। हालांकि ये जो रिजर्वेशन है ये अभी तक मिनिस्ट्रीज में नहीं आ पाया है, सिर्फ ट्राइबल मिनिस्ट्री का है कि चलो ट्राइबल मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होगा वो एक ट्राइबल पर्सन होगा, बाकी मिनिस्ट्रीज में नहीं आया, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनको मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन। अभी जो रिसेंटली कैबिनेट का एक्सपांशन हुआ है उसमें भी जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले जो मिनिस्टर्स हैं उनको बढ़ा, उसका जो अमाउंट उसको बढ़ाया गया, आज की डेट में 8 मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में जो शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे भी काम किया गया है ऑन द सोशल फ्रंट, ठीक है। तो सोशल फ्रंट में ह्यूमन इंडिकेटर्स पे कैसे काम किया गया है, एक तो एजुकेशन पे काम किया गया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी अभी जो नहीं आई है 2020 में आई है, 2021 में आई है, उसमें ये बताया गया कि जो फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ पे मदर टंग या फिर जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की उसको यूज किया जाएगा फॉर मेकिंग देम लर्न थिंग्स, मेकिंग देम एजुकेटेड, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है मदर टंग को यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे एक तरह से ट्राइबल्स को इंक्लूड करने के लिए ही ये एक चीज की गई थी,
ठीक है। सो द ट्राइबल पॉपुलेशन को भी यहाँ पे एजुकेशन दिया जा सके, ट्राइबल चिल्ड्रन को भी यहाँ पे एजुकेशन दिया जा सके थ्रू देयर लोकल लैंग्वेज। तो उनको एट जो इनकी लैंग्वेज है इसको एट पार पे ही ट्रीट किया जा रहा है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है एज द लैंग्वेजेस अंडर 8th शेड्यूल, क्योंकि इसमें भी आप यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हो। दूसरी चीज, एकलव्य स्कूल्स जो है उनका एक्सपांशन होना है, तो ये भी एक अच्छी चीज है जिससे एजुकेशन यहाँ पे प्रमोट होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इस तरह से भी डेवलप की जा रहे हैं जैसे यहाँ पे स्किल्स डेवलप की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे स्किल्स डेवलप हो रही हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कुछ दिन पहले जिसमें हमने देखा था कि चेंचू ट्राइब जो है इनको इंक्लूड किया जा रहा है, इनको स्किलिंग दी जा रही है टूरिज्म की, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री की, कि ये एज अ गाइड यहाँ पे बिहेव कर सके टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे स्किलिंग भी हो रही है इनकी, तो इस तरह से ये सारी चीजें की जा रही है। दूसरी चीज ये कि इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो यहाँ पे एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि बैम्बू जो पहले एक ट्री माना जाता था जिसको कट करना एक अपराध हुआ करता था, अब बैम्बू को एक ट्री नहीं माना जाता। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, ट्राइबल पीपल जो है, वो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करते हैं, और इसी के लिए यहाँ पे जैसे बैम्बू को यूज कर सके अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए यहाँ पे बैम्बू को हटा दिया गया है एज अ ट्री। बजटरी एलोकेशन बढ़ाया गया है ट्राइबल मिनिस्ट्री का, ठीक है, सो दैट ट्राइबल लोगों के लिए अच्छा काम किया जा सके। इसके अलावा ट्राइबल मार्केटिंग डेवलपमेंट भी हो रहा है, जैसे आपने सुना होगा ट्राई फूड के बारे में, ठीक है, ट्राई फूड एक यहाँ पे एक तरह की स्कीम चलाई गई थी, गवर्नमेंट ने चलाई, जिसमें क्या हुआ था, ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके आते हैं उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल को बढ़ाया जाएगा, इस तरह की स्कीम्स भी लेकर आ रहे हैं। और जो लोग, एक चीज ये भी है कि एक तो इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो इसके लिए 10 ट्राइबल म्यूजियम्स लेकर आए हैं, जो भी ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और जिनको हम आज नहीं जानते हैं प्रॉपरली, उनके रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम्स भी हम लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज कही गई है कि यहाँ पे 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, ठीक है, अमृत महोत्सव बना रहे हैं हम आजादी का, इसके साथ ही अब हमको एसिमिलेट करने की जरूरत है, अब हमको इंटीग्रेट करने की जरूरत है ट्राइबल पॉपुलेशन को भी हमारी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें, और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, इनके कल्चरल हेरिटेज को, इनके प्रैक्टिस को, इनके ट्रेडिशन को, इन सभी को हमें जानने की, हमें रिस्पेक्ट करने की जरूरत है अब, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, हमने डिटेल में डिस्कस इसको कर लिया है। आगे बात करते हैं आज के एथिक्स डोज की। तो देखो कल मैंने, अब आ जाओ फटाफट से, अब आ जाओ बिल्कुल मैदान में, ठीक है। तो हम अब बात करें एथिक्स डोज की, जो मैंने आपको कल यहाँ पे होमवर्क में दिया था कि आपको मैंने कहा था कि आप लोग भी यहाँ पे अपने हिसाब से पढ़ के आइएगा और अपने हिसाब से यहाँ पे आपने जो भी कमेंट्स दिए हैं उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले समझो कि केस स्टडी क्या है। यंग यू आर अ यंग अस्पायरिंग सिंसियर एम्प्लॉय इन अ गवर्नमेंट ऑफिस वर्किंग इन एज एन असिस्टेंट टू डायरेक्टर ऑफ योर डिपार्टमेंट। तो आप एक यंग अस्पायरिंग सिंसियर एम्प्लॉय हैं, यू हैव जॉइंड रिसेंटली, यू नीड टू लर्न इन प्रोग्रेस, आपको लर्न इन प्रोग्रेस करने की जरूरत है अब, और लकीली योर सुपीरियर इज वेरी काइंड एंड इज रेडी टू ट्रेन यू फॉर द जॉब। तो आपका सुपीरियर बहुत अच्छे हैं, आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, काफी इंटेलिजेंट हैं, काफी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है, काफी नॉलेज है उनको, और आप अपने बॉस की काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आप उनसे काफी कुछ सीखना भी चाहते हैं, ओके। तो इसके आगे हम बात करें कि यहाँ पे सिंस यू हैव गुड ट्यूनिंग विद द बॉस ही स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन यू, आपकी अच्छी ट्यूनिंग है वो आप पे डिपेंड करते हैं। एक दिन उनकी इल हेल्थ के कारण आपको वो घर पे बुलाते हैं अपने, और वहां पे आप जब पहुंचते हो तो आप सुनते हो यू हर्ड शाउटिंग नॉइजेस बिफोर यू कुड रिंग द बेल। तो आपने जब रिंग नहीं की बेल, उससे पहले ही आपको वहां पे चिल्लाने की आवाज, थोड़ी सी बहस की आवाज सुनाई दे रही है। आपने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद आप एंटर करते हो, आप ग्रीट करते हो अपने बॉस को, आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हो, सब कुछ हो गया, उसते में ही आप एक विमेन की रोने की आवाज सुनते हो, ठीक है। लास्ट में आप इंक्वायर करते हो तो आपका बॉस कुछ आपको जवाब देते हैं, लेकिन वो जो जवाब है आपको सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट डे यू आर कंपेल्ड टू इंक्वायर फर्दर इन द ऑफिस एंड फाउंड दैट हिज बिहेवियर इज वेरी बैड एट होम विद हिज वाइफ। तो अगले दिन आप जब इंक्वायरी करते हो अपने ऑफिस में, तो आपको पता चलता है उनकी वाइफ के साथ उनके जो रिलेशनशिप है, जो उनका बिहेवियर है, काफी खराब है। वो अपनी वाइफ को बीट भी करते हैं, यानी कि उनके ऊपर हाथ भी उठाते हैं कई बार, और उनकी वाइफ जो है बहुत सिंपल वुमेन है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो बॉस है उनका ज्यादा डोमिनेंस है उनके ऊपर। हालांकि बॉस जो है दैट इज ही इज अ वेरी नाइस पर्सन इन द ऑफिस, और लेकिन आपको पता चलता है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है उनकी वाइफ। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको इनका क्या सोचते हो आप इनके बारे में। तो देखो पहली चीज तो जस्ट इग्नोर थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज देयर पर्सनल मैटर, पहला ऑप्शन आपके पास ये है, आपको इनको एनालाइज करना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, रिपोर्ट द केस टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तीसरी चीज ये पूछी गई है कि आपका इनोवेटिव अप्रोच क्या होगा,
ओके तो देखो, पहली चीज तो ये कि जब आप इग्नोर करने की बात करते हो तो पहले आपको जब भी केस स्टडी आए तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है ये हम पहले बात करते हैं, फिर हम इनकी ऑप्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आपको एक एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है केस स्टडी को। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस आप कैसे कर सकते हो कि दिस केस स्टडी टॉक्स अबाउट अ सोशल क्राइम विच इज डोमेस्टिक वायलेंस। ओके एंड हियर आई हैव बीन आस्ड, आई एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैव बीन अंडर एथिकल डिलेमा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि यू आर अंडर एन एथिकल डिलेमा ऑफ फॉलोइंग टू ड्यूटीज। फर्स्ट इज योर प्रोफेशनल ड्यूटी, दैट इज योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर बॉस। सेकंड इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, दैट इज यू हैव टू प्रिवेंट अ सोशल क्राइम विच इज डोमेस्टिक वायलेंस। तो यहाँ पे दो इश्यूज हैं जिसके बीच में आप फंसे हुए हो, इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरी चीज, आपसे पूछा हो या नहीं पूछा हो, आप स्टेक होल्डर्स बताओ, इससे आपका एक एज बनती है। ठीक है, इसमें आप स्टेक होल्डर्स कैसे बताओगे, कौन कौन इन्वॉल्व है इसकी स्टडी में। पहले तो आप हो, आई एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ऐसे मैंने लिखा है। दूसरा डायरेक्टर जो कि आपकी बॉस है, तीसरा इनकी वाइफ है, ठीक है, और चौथा वर्क प्लेस पे रहने वाले जो लोग हैं, वर्क प्लेस पे काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉयज हैं, ये सभी इसके स्टेक होल्डर है। अब जैसे कि ऑप्शन वन था जस्ट इग्नोर थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज देयर पर्सनल मैटर, ये पहला ऑप्शन था, मैंने पहले ऑप्शन को यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश की है। इसके आप इसमें कॉन्सिक्वेंसेज बताओगे। सबसे पहले तो आपसे कॉन्सिक्वेंसेज एनालाइज करने का कहा है, तो आप कॉन्सिक्वेंसेज बताओगे, इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों बताओगे। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो तो मेरिट्स क्या होंगे, डीमेरिट्स क्या होंगे। फर्स्ट मेरिट ये होगा गुड रिलेशनशिप मेंटेन बिटवीन मी एंड बॉस, मतलब अगर आप इग्नोर कर देते हो सब कुछ तो आपकी रिलेशनशिप आपके बॉस से अच्छी खासी चलती रहेगी। दूसरी चीज ये रहेगी कि आपको आगे भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनसे काफी कुछ सीखने की, आपका करियर ग्रोथ सही चलता रहेगा, ये पॉजिटिव्स हैं। लेकिन नेगेटिव्स क्या है, देखो पहला नेगेटिव तो ये है कि ऐसा हो सकता है कि आगे भी, क्योंकि आप एक तरह से एनकरेज कर रहे हो अपने बॉस को, आपने देख के भी उसको अनदेखा कर दिया, तो आप एक तरह से एनकरेज कर रहे हो कि हाँ भाई मारो पीटो जो करना है करो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो एक तरह से आप एनकरेज कर रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्टर की वाइफ हो सकता है उनको आगे पूरी लाइफ यही सब कुछ सहना पड़े। दूसरी चीज, यहाँ पे योर वैल्यूज विल बी कॉम्प्रोमाइज, योर इंटीग्रिटी वुड बी कॉम्प्रोमाइज, आपके सिर पे एक गिल्ट भी क्रिएट होगा जिसको हम एथिक्स में टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब आप मानते कुछ और हो लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो, आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपके माथे पे गिल्ट क्रिएट हो रहा है। तीसरी चीज ये कि इसके कारण आप एनकरेज कर रहे हो कि आप जो बॉस हैं आप उनको एनकरेज कर रहे हो कि आप दूसरी वुमेन के साथ भी भले ऐसा करो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे तो आप वर्क प्लेस पे भी ऐसा करो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे वर्क प्लेस का एनवायरमेंट भी काफी टॉक्सिक हो जाए। तो ये सारी इश्यूज यहाँ पे कॉग्निटिव, यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ऑप्शन वन के। तो एंड में आपको बताना चाहिए ये कॉन्सिक्वेंसेज इस तरह से दिखाते हुए, देखो मैंने एक ही के आपको यहाँ पे मॉडल टाइप का यहाँ पे बताया है, सो दैट आप इसको समझ सको, आप भी इसको इंक्लूड कर सको अपने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इश्यूज आप इस तरह से बताओगे कि पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है। एंड में आप बताओगे इस ऑप्शन के एंड में कि ये ऑप्शन उतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका खुद के मॉरल्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं और इसके कारण हो सकता है कि उस लेडी को और सफर करना पड़े, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर टू की बात करें, रिपोर्ट द केस टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इसमें भी आपको बताना है कि पॉजिटिव्स क्या है नेगेटिव्स क्या है। तो नेगेटिव्स पॉजिटिव्स क्या होंगे कि यहाँ पे हो सकता है एक प्रॉपर एक्शन लिया जाए और बॉस जो है वो अब आगे ऐसा करने से डरे, क्योंकि ही इज ऑल्सो ऑन अ सीनियर पोजिशन एंड ही डज नॉट वॉन्ट हिज करियर टू बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हो सकता है वो आगे ऐसा होने से बचे, ऐसा करने से करें, ठीक है, ऐसा करने से बचे। नेगेटिव ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि उनकी वाइफ जो है वो बैकआउट कर दें, क्योंकि शी इज नॉट वेल एजुकेटेड, शी डज नॉट नो अबाउट हर राइट्स, तो हो सकता है वो मना कर दे कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जब ऐसा हो जाए तो आपके बॉस की रिलेशनशिप भी आपके साथ खराब हो गई, आपकी करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी खराब हो गई, ये सब कुछ खराब हो गया। दूसरा हो सकता है आपके ऊपर फेक केस लगाने का वो इल्जाम भी लगा दे, तो ऐसे सब कुछ इश्यूज हो सकता है। तो इट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली करेक्ट ऑप्शन, बट इट सीम्स बेटर देन द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, कि एटलीस्ट आप अपने मॉरल्स के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब तीसरी चीज पूछी गई है, व्हाट वुड बी योर अप्रोच, तो योर कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, ये चीज कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हिसाब से आपको क्या लिखना चाहिए था, फिर आपके कमेंट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था कि सिंस यू हैव नॉट सीन योर बॉस बीटिंग योर वाइफ योर यू आर नॉट सीन योर बॉस बीटिंग हिज वाइफ, तो तब आपने, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने उसको एक्चुअल में देखा नहीं है, तो यू कैन नॉट कम अप टू कंक्लूजन डायरेक्टली, पहली चीज तो ये, ठीक है। फर्स्ट वॉट शुड यू डू, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज हो सकती है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने जो दूसरे ऑफिशियल हैं, अपने
जो ऑफिस के जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनसे आप इनडायरेक्टली इसके बारे में पूछ सकते हो, सो दैट आपको पता भी लग जाए कि क्या एक्चुअल में ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीजें हैं. आप क्या कंफर्मिंगली ये कह सकते हो, आपको काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं, एक के बाद पे आप भरोसा नहीं कर सकते. क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मली झगड़ा हुआ हो और उसके इमोशनल ब्रेकआउट में उनकी जो वाइफ है वो रो रही हो अंदर जाके, ये सब चीजें भी हो सकती है. तो आपको सारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेकर चलनी है. सी यू कैन नॉट प्रूव समबडी गिल्टी अंटिल ही इज नॉट प्रूवन टू बी गिल्टी. ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे जब तक उसके ऊपर प्रूव नहीं हो जाता आप उसको थोड़ी जजमेंट दोगे. तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली पता करना चाहिए सो दैट आपके बॉस की रेपुटेशन भी यहाँ पे खराब ना हो. ठीक है, इनकेस अगर उन्होंने कुछ नहीं किया हो तो फालतू में वो क्यों फंसे भाई. ठीक है, दूसरी चीज, जब आपको अगर लगता है कि हाँ भाई इनके खिलाफ काफी सारे लोग ऐसा सेम चीज बोल रहे हैं, तो आपको उनकी वाइफ से बात करने की कोशिश करनी चाहिए इन सेपरेट. ठीक है, तो आप उनकी वाइफ से बात करने की कोशिश कर सकते हो, उनसे पता लगाने की कोशिश कर सकते हो कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है. क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आपको यहाँ पे FIR वगैरह करवानी भी है तो वो आप नहीं कर सकते, या तो उनकी वाइफ कर सकती है या तो उनकी वाइफ का कोई क्लोज रिलेटिव कर सकता है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो. ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इधर कुछ भी ऐसा है, तो आप यहाँ पे NGO की मदद ले सकते हो. जो ऐसी कमीशन होती है जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मदद ले सकते हो, इनके ऑफिशियल्स की मदद ले सकते हो कि आप इनको काउंसिल कीजिए, इनकी वाइफ को काउंसिल कीजिए, और अगर ऐसा कुछ है तो आप इनकी मदद कीजिए एक लीगल एड लेने में. ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी हेल्प कर सकते हो, समझ गए. तो आप डायरेक्टली उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर रहे, आप पहले पता लगाओगे कैसा है, फिर उनको काउंसिल करवाओगे. क्योंकि वो वाइफ जो है उनकी कम एजुकेटेड है, नॉट वेल एजुकेटेड, उनको अपने राइट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, हो सकता है वो बैकआउट भी कर दे. तो इनके लिए पहले उनको काउंसलिंग देने की जरूरत है. उसके बाद एंड में आप अपनी अथॉरिटीज को इसके बारे में, अगर आपको कन्फर्म हो जाता है, तो आप अपनी अथॉरिटीज को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट योर रिलेशनशिप विथ योर बॉस विल बी इन द फ्यूचर. तो ये आप नहीं सोचोगे, क्योंकि आप यहाँ पे आपको देखो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. आप आंसर कुछ भी लिखो, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगी, अभी बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग आंसर्स दिए हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगी. आप आंसर कुछ भी लिखो, क्योंकि देखो हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है. आप आंसर कुछ भी लिखो, आपको जस्टिफाई करता आना चाहिए. अब जस्टिफाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डायरेक्टली जाके अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे ये लिख के चलना पड़ेगा कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है. मैं डायरेक्टली यहां पे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती, मुझे यहां पे रैशनल होना पड़ेगा, मुझे यहां पे पहले तो एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे. ठीक है, दूसरी चीज कि मुझे उनकी वाइफ से भी यहाँ पे सहमति लेनी पड़ेगी, उनकी वाइफ को भी समझाना पड़ेगा कि जो आपके अगेंस्ट हो रहा है वो गलत हो रहा है. तीसरी चीज, मैं आखिर में अथॉरिटीज को यहाँ पे इन्फॉर्म करूंगी, क्यों, क्योंकि मैं अपनी इंटीग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, अपनी मॉरल वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, इसीलिए मैं यहाँ पे अथॉरिटीज को एंड में रिपोर्ट करूंगी. ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो. बाकी FIR तो उनकी वाइफ ही कर सकती है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे. तो जो भी होगा एज अ आउटसाइडर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप करोगे. ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी लिखा है कि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरी ये ड्यूटी बनती है, तो ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, आप अगर एक नॉर्मल सिटीजन भी हो तो भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी भी सोशल क्राइम को होने ना दो अपनी सोसाइटी में. ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे काफी सारे लोगों ने ये भी लिखा है कॉमेंट्स में कि हम उसको कोशिश करेंगे पर्सनल हेल्प देने की, फाइनेंशियल हेल्प देने की, इमोशनल हेल्प देने की. ऐसा नहीं लिखना है भाई, बॉस की वाइफ है आपके, कोई दोस्त नहीं है वो. ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने एंड पे अपने से ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि आप इतने तो ऐसे तो आपके पास कितने सारे केसेस होंगे कि आप सभी को फाइनेंशियल एड दोगे, कि आप सबके घर जाके बैठ के उसको सांत्वना दोगे, ऐसा नहीं होता. आप यहाँ पे NGOs की मदद ले सकते हो, ये जो कमीशन की विमेन है उनकी मदद ले सकते हो, आप खुद जाके उधर नहीं बैठ जाओगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, आपको बेसिकली अपनी वैल्यू सिस्टम को बताना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब देखो मैं कुछ यहाँ पे आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करती हूँ. पहला तो किस एक है, आश आश ऐश है, आश जो भी है. ठीक है, इनका एक आंसर है, नॉर्मली आई वुड इग्नोर द मैटर बट इफ द बॉस वाइज इंटरेक्ट्स विथ मी एंड आस्क मी टू डू एनीथिंग आई विल श्योरली टेक एन एक्शन. तो इन्होंने बोला कि मैं तो पहले इग्नोर करूंगी और उसके बाद अगर वाइफ जो है उनकी, बॉस की वाइफ अगर मुझसे इंटरेक्ट करना चाहती है तो फिर मैं रिपोर्ट करूंगी. देखो दिस इज समथिंग वेरी डायरेक्ट, आपको यहाँ पे अपना कोर्स ऑफ एक्शन स्टेप बाय स्टेप बताना है. ठीक है, आप डायरेक्टली जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगी, देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर मॉरल्स. ठीक है, या फिर इससे ये प्रूव होता है, या चेकर को ये लगेगा कि या तो आप मॉरल्स को इतना ध्यान देते नहीं, या तो आपके लिए ये मॉरल इंपॉर्टेंट है ही नहीं. ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, इग्नोरिंग विल नेवर बी अ गुड ऑप्शन. ठीक है, ये चीज आप समझो. दूसरा एक है देव क्रिएशन, इन्होंने कहा है फर्स्टली अकॉर्डिंग टू मी आई शुड मेक एन इंटरेक्शन विथ माई बॉस वाइफ. ये सही लिखा है, आपको इंटरेक्शन करना चाहिए. उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हुआ है, तो आप NGOs की हेल्प ले सकते हैं. उसके बाद FIR वगैरह सब हो सकती है, इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है. ठीक है, और इफ ऑल द थिंग्स गॉट सॉर्ट आउट बिफोर द NGO itself, देयर विल बी नो नीड
सही है, ठीक है। तो आप पहली चीज इन्होंने लिखा है FIR एंड में हम फाइल कर सकते हैं, तो आप FIR फाइल नहीं करोगे। डे ऑफ क्रिएशन आपका आंसर आंसर मुझे अच्छा लगा, लेकिन एंड में ये समझना कि FIR आप फाइल नहीं करोगे, ठीक है। FIR उन्हीं को फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, तीसरी चीज देखो यहाँ पे रश्मि का मुझे आंसर दिख रहा है, रश्मि गिरी का। इन्होंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल आई गैदर द इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड। देन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप पता करोगे, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन आई टॉक टू द बॉस अबाउट द मैटर एंड एट लास्ट आई रिपोर्ट। देखो इसमें गलतियां समझो, पहली चीज आपने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, अच्छी बात है, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट थोड़े समझने जाओगे। आपने वो मूवी देखी थप्पड़, उसमें बात छोटी सी होती है, एक थप्पड़ मारा होता है, लेकिन इट वॉज अ सीन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट कितना भी बड़ा हो, इट इज नॉट जस्टिफाइड टू बीट योर वाइफ, ठीक है। तो इट विल नेवर बी जस्टिफाइड। तो आप रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जान के कर भी क्या लोगे, ठीक है। आपको बस ये जानना है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार है या नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट के रीजन में आपको नहीं जाना है, दैट इज देयर पर्सनल मैटर, वॉट इज नॉट पर्सनल इज डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो ये समझना है। उसके अलावा ये आप नहीं करोगे कि है ना, आप सीधे के सीधे आप अपने बॉस से जाके कन्फ्रंट कर रहे हो, क्योंकि बॉस तो आपको फिर और झाड़ देंगे कि भाई तुम्हारा क्या मतलब। तो बॉस से आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि बॉस आपको सही सा जवाब देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो सौरभ जीत साहू का यहाँ पे आंसर मैं देख रही हूँ। आई थिंक जस्ट वॉचिंग एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग इज ऑल्सो अ क्राइम, वेरी गुड। यहाँ पे ये भी चीज क्राइम है कि आप सिर्फ देख रहे हैं, आप उसका पार्ट बन रहे हैं फिर, ठीक है। आप यहाँ पे उसका पार्ट बन रहे हैं, आप उसको यहाँ पे खत्म करने की कोशिश नहीं करें। इनफैक्ट यू आर ट्राइंग टू अबेट दैट क्राइम, ठीक है। अबेटमेंट कर रहे हो आप उस क्राइम का, आप उसको एनकरेज कर रहे हो, ऑलराइट। उसके अलावा देखो एक चीज और देख लो, अमिता मान ने ये लिखा है कि आई बीइंग एन इन्फॉर्म सिटीजन इग्नोरिंग द मैटर विल नॉट बी जस्टिफाइड, वेरी गुड अमिता। ये देखो ये इस तरह से आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, तो इग्नोर करना एक सही चीज नहीं होगी, ठीक है। ये डेरोगेटरी होगा कंसाइंस से, डिग्निटी से, वेरी गुड। इन्होंने देखो आप अमिता का आंसर देखना, इन्होंने काफी सारी जस्टिफिकेशन दी। एक तो कोर्स ऑफ एक्शन आपको देना ही है, उसके साथ साथ आपको जस्टिफिकेशन भी देना है कि जस्टिफाई आप कैसे करते हो, ठीक है। उसके बाद इवन आर प्रीएम्बल इट सेल्फ इंश्योर्स प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आई वुड कंसर्न द मैटर टू सीनियर कंसर्न सीनियर एंड विल ट्राई टू वर्क अपॉन थिंग्स, स्टिल थिंग्स डोंट गेट इन टू राइट, आई ब्रिंग द मैटर टू कंसर्न अथॉरिटीज एंड रिक्वेस्ट देम टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हम सीनियर से डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे बॉस से, बट देखो मुझे लगता है कि बॉस से सीनियर डायरेक्टली कन्फ्रंट करना विल नॉट बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वो चीज वहीं दब सकती है फिर, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप देखो अगर आप ये लिख भी रहे हो ना, तो आप इसका जस्टिफिकेशन दो कि ऐसा करने से होगा क्या, ठीक है। तो आप इसका जस्टिफिकेशन ये दे सकते हो कि इस तरह से आप बता सकते हो, एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आप बता सकते हो डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की जगह कि भाई ऐसा देखो हमारे यहाँ पे एक केस आया था जिसमें एक वुमेन थी, कम एजुकेटेड थी, उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उसके जो हस्बैंड थे काफी अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन एक बार डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन गया तो उसके जो हस्बैंड है उसका पूरा करियर खत्म हो गया। इस तरह से आप स्टोरी टेलिंग फॉर्म में बता सकते हो, और उस तरह से यहाँ पे एक तरह से आप उनको ये दिखा सकते हो कि देखो भाई ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, अल्टीमेटली दिस विल एंड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ योर करियर ऑल्सो। तो आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो इस चीज को, ऑलराइट। उसके बाद TMAC इनका भी एक आंसर है, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे, और एग्जैक्ट रूट कॉज जानने के बाद यहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है। और इनोवेटिव आइडिया के बारे में इन्होंने बताया है कि मेक वुमेन अवेयर ऑफ हर राइट्स, और ये सारी चीजें एनजीओ सपोर्ट वगैरह की बात की है, इन्होंने भी अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक दो और आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो हिमू जायसवाल ने ये बताया है कि एज ए एम्प्लॉई आई नो बॉस बिहेवियर इज गुड विद द एम्प्लॉयज, आई हैड फर्स्ट टाइम लिसन द कंप्लेंट शाउटिंग साउंड, मे बी इट विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग। सो इन्होंने बोला है कि अगर ये बार बार होता है तो फिर हम इसका विटनेस क्रिएट कलेक्ट करके फिर हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अच्छी चीज है कि आपने पॉजिटिव साइड भी बताया कि हाँ भाई ऐसा भी यहाँ पे सीन है कि यहाँ पे गुड बिहेवियर है, तो हम डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि यह सच में डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस है, लेकिन एक बार आपको अगर कंफर्म हो जाता है फिर आप इसके लिए स्टेप्स ले सकते हो। सो दैट वॉज गुड, ठीक है। चलो एक दो आंसर मैं और डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखो एक आंसर मैं डिस्कस कर रही हूँ आखिरी, इफ आई एम नॉट अवेयर आई इग्नोर, बट अगर मैं अवेयर हो जाता हूँ, ये लिखा है प्रफुल कोहर ने कि अगर मैं अवेयर हो जाता हूँ देन आई फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम। तो देखो यहाँ पे आप फाइल नहीं कर सकते हो कंप्लेन, आप जो वाइफ है उनकी वही फाइल कर सकती हैं। एक चीज जो मैंने यहाँ पे मेजरली देखी, स्टेप ऑफ जो स्टेप्स हैं आपकी कोर्स ऑफ एक्शन है सभी ने अलग अलग लिखा है,
एवरीथिंग इज फाइन, अगर आप उसको जस्टिफाई करो तो यहाँ पे अपनी जस्टिफाई करो, वैल्यूज यहाँ पे ऐड करो, जैसे इंटीग्रिटी ऐड करो, कंपैशन ऐड करो, ठीक है, डिग्निटी ऐड करो, ये सारे वैल्यूज ऐड करोगे ना तो अच्छा आंसर बनेगा, समझ गए? सो आज के लिए हमारा इतना ही था, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, इसके ऊपर काम करना है, एथिक्स की केस स्टडी के ऊपर, बाकी फिर मिलते हैं कल, ठीक है, सो दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग.